नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हम आप लोगों के लिए मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जीवन में सेहतमंद रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है और हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। फिर चाहे एक्सरसाइज आपके शारीरिक लाभ से जुड़ा हो या फिर मानसिक लाभ से, यानी कि वो आपके शरीर के लिए लाभदायक हो या फिर आपकी दिमाग की सेहत के लिए। इसलिए दोस्तों, आज लोगों में सेहत को लेकर एक सजगता देखी जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आजकल लोग जिम जाने लगे हैं, जहां जाकर लोग शारीरिक रूप से फिट रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान अधिकतर लोग मानसिक स्वास्थ्य को कुछ हद तक इग्नोर कर देते हैं। यही वजह है कि शारीरिक रूप से फिट रहने के बावजूद कुछ लोग मानसिक विकार और स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। स्ट्रेस की समस्या उनकी ज़िंदगी में बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये सच है कि आज आप और हम जितना शारीरिक रूप से एक्टिव होने की जुगत में लग गए हैं, मानसिक रूप से सक्रियता हमारे अंदर उतनी ही कम होती जा रही है। हम हमारे दूसरे अंगों की सेहत के लिए तो सजग हैं, लेकिन हमारे दिमाग की सेहत के लिए उतनी ज़्यादा सजग नहीं है। हमारी दिमाग की सेहत को बूस्ट करने के लिए उतने ज़्यादा प्रयास हम नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते हैं। दोस्तों, जिम में सिर्फ भारी भरकम डंबल उठाने से आप मानसिक रूप से फिट कभी नहीं हो सकते। जी हाँ, इसके लिए आपको कुछ अलग तरह की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है, जो आपको दिमागी रूप से भी स्वस्थ रहने में मजबूत करेगी, स्वस्थ रहने में हेल्प करेगी, आपका दिमाग तेज करेगी और दिमाग को फिट बनाएगी। अब वो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं चार एक्सरसाइज के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिनका यूज़ करके आप अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं और दिमाग को विकारों से दूर रख सकते हैं, दिमाग की सेहत को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो चार एक्सरसाइज कौन कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आती है एरोबिक एक्सरसाइज। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज आपका पहला ऑप्शन हो सकती है। जी हाँ, एरोबिक को मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। अगर आप हफ्ते में 150 मिनट हल्के से एरोबिक करते हैं, तो इससे आपको कई तरीके के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। दोस्तों, कई प्रकार के अध्ययनों से ये पता चलता है कि एरोबिक व्यक्ति में डिमेंशिया, डिप्रेशन और चिंता जैसे मानसिक जोखिमों को कम करके याददाश्त शक्ति को बढ़ाने का काम करती है और याददाश्त शक्ति को बूस्ट कर सकती है, जिससे आपकी मेमोरी बूस्ट होती है। इसके अलावा दोस्तों, आप नियमित रूप से दौड़े जरूर। जी हाँ, वॉक जरूर करें। फिट रहने के लिए दौड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। इसके जरिए आपको अपने वजन को कंट्रोल में रखने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, रनिंग करने से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी हेल्दी रहता है। चलने और दौड़ने से हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क में एक छोटा सा और घुमावदार हिस्सा होता है, जो कि लिम्बिक प्रणाली यानी कि भाव और याददाश्त में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसमें नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद मिलती है रनिंग करने से। इसके साथ ही दौड़ने से मानसिक तनाव यानी कि स्ट्रेस को भी कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, जो कि आज के दौर में एक आम समस्या बन गई है। वहीं दौड़ना आपके मन की कार्य क्षमता और याद रखने की शक्ति को बढ़ाता है। तो दोस्तों, अगर आप देखा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए रनिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। तो इसका भी यूज़ ज़रूर करें। दोस्तों, तीसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं, जो कि है साइकिलिंग। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो साइकिल चलाना शारीरिक रूप से काफ़ी फिट रहने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है, लेकिन साइकिल की सवारी आपको मानसिक रूप से भी तंदुरुस्त रहने में हेल्प करती है। दरअसल जब कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है, तो उस समय दिमाग में खून का प्रवाह तेजी के साथ बढ़ने लगता है, जो कि दिमाग में नई कोशिकाओं को बनाता और कार्य क्षमता में सुधार करता है। इसके अलावा साइकिल चलाने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से आपको निजात मिल सकती है। साथ ही यह शरीर में कोर्टिसोल वो होता है जो दोस्तों जो कि शरीर में दिमाग में आपको स्ट्रेस पैदा करता है, उस हार्मोन को बोलते हैं कोर्टिसोल, और एड्रेनालाइन के स्तर को कंट्रोल करता है, जिससे आपके दिमाग में स्ट्रेस का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, और अगर स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है तो यह उसको कंट्रोल करके रखता है और धीरे धीरे करके ख़त्म कर देता है।
इसलिए दोस्तों साइक्लिंग एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है मानसिक स्ट्रेस से दूर रहने के लिए और मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। और बात करते हैं आखिरी एक्सरसाइज की, जो कि है दोस्तों योगा। जी हाँ दोस्तों, योगा वैसे तो कोई एक्सरसाइज तो नहीं है, योगा खुद में एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है मानसिक स्थिति को बढ़ाने के लिए। जी हाँ, योग से दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। योग आपके मस्तिष्क को शांत रखने के साथ आपके फोकस के स्तर को इंक्रीज करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इतना ही नहीं, योग आपके अंदर के स्ट्रेस के स्तर को कम करके आपकी मेमोरी को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव साबित हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शारीरिक रूप से फिट रहने के साथ साथ हमें मानसिक रूप से भी सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मानसिक रूप से मजबूत रहने पर हमारी याददाश्त बेहतर होती है और सोचने व समझने की ताकत बढ़ती है। इसलिए इन चार एक्सरसाइज के जरिए आप अब अपने शारीरिक रूप से फिट तो रहेंगे ही, मानसिक रूप से भी फिट रहेंगे। और अगर आपको मानसिक रूप से फिट रहना है तो इन चार एक्सरसाइज का उपयोग जरूर करें, यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की एक और हेल्थ जानकारी आप सभी लोगों के लिए, जो कि होती है यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई है। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।